ये इतना शक्तिशाली और खतरनाक है कि इसने दोनों को लगभग खत्म ही कर दिया था। वो सिर्फ एक साथ मिलकर खुद को बचा सकते थे। उस लॉकेट की ताकत को वोकेंडर वाला और एक बाहर वाला ही मात दे सकते थे। मेरे पिताजी ने मुझे ये कभी नहीं बताया। ये वकांडा वाले कितने सीक्रेट्स छुपाए रखते हैं? ये क्या यहाँ का टाइम पास करने का तरीका है? हमारे पिताजी ने लड़ाई बंद कर दी और उसे यहीं छोड़ दिया और कहा कोई इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। पर मैं ताकतवर हूँ, मैं इसकी ताकत को काबू करूंगा जो मेरे पिताजी नहीं कर पाए। तुमने थैंक्स भी नहीं बोला क्या? क्या यार पेरेंसी, मैं तुम्हें वकांडा में ले आया, यहाँ तक ले आया, तुमने दो बार मेरा इस्तेमाल किया, कम से कम तुम्हारा थैंक यू कहना तो बनता है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया, प्लीज मुझे शुक्रिया कहने का मौका दो। नहीं, वो लॉकेट मेरा है। कहानी के हिसाब से कोई भी इविल क्रोकोडाइल स्पिरिट पर काबू नहीं पा सकता। तुम्हारे शक्तियों को बुरे काम के लिए इस्तेमाल करेगा और तुम पर हावी हो जाएगा। वो कमजोरों पर काबू पाता है, मुझ पर नहीं पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये अचानक से इतना चिल्ला क्यों रहा है? ये हो क्या रहा है भाई? क्रोकोडाइल स्पिरिट ने सीमो के शरीर और दिमाग को काबू कर लिया है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अब वो उसे मॉन्स्टर बना रही है। वाइब्रेनियम पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। स्पिरिट काबू पा रही है। तुम भी एक बार उसकी तरह बड़े हुए थे, है ना? नहीं, मेरा मतलब मैं उतना बड़ा हुआ करता था, पर अभी नहीं होता, मैं अच्छा नहीं दिखता। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, चलो। अगर हम उस पर हमला कर सकते हैं तो लॉकेट पर भी कर सकते हैं। मैं लॉकेट निकालने की कोशिश करता हूँ। करो, मैं उसका ध्यान बटाता हूँ। सीमो, यहाँ नीचे देखो, मैं दिख रहा हूँ। लगता है उसने मुझे देख लिया। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। कहानियों के हिसाब से सीमो के अंदर काबू न होने वाली शक्तियां बन रही हैं। अगर सीमो उन शक्तियों पर काबू नहीं कर सका तो वो फट जाएगा और पूरा शहर नष्ट हो जाएगा।